हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट। बिजली विभाग की तरफ से जो बिहार में नई वैकेंसी आई है, उसके लिए फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अभी उसकी सारी डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया है कि टोटल आपका 2610 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी रहेगी, जिसका अप्लाई डेट 20 जून यानी कि ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपका 19 जुलाई रहने वाला है। फॉर्म अप्लाई करते वक्त फी क्या लिया जाएगा? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 1500 यानी 1500 रुपीस, एससी एसटी कैंडिडेट से 375 रुपीस लिया जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा सितंबर 2024 में, तो ज़्यादा समय बाकी नहीं है। आई नो कि आप सभी को पहले से अपडेट मिल चुका है, तो तैयारी कर चुके होंगे, तो स्पीड बूस्ट कर लीजिएगा, तभी जाके आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर बात करूं तो 31 मार्च 2024 के अनुसार टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 18 वर्ष से 37 वर्ष और दूसरे पोस्ट के लिए 21 वर्ष से 37 वर्ष है। देखिए, एज में रिलैक्सेशन मिलता है। 37 वर्ष का जो बात रहा अपर एज का, उसमें ओबीसी को 3 वर्ष का और एससी एसटी को 5 वर्ष का मिलता है। अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये देखेंगे किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है, कितना कितना सीट है और क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, पहला पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिसके लिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी यानी 2000 पोस्ट है। इसके लिए 10th पास आउट, साथ ही साथ आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ग्रेड से। तो ये रहा आपका पहला पोस्ट। सेकेंड पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, इसके लिए 300 आपका सीट रहेगा। इसमें आपको BCom होना चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स के साथ। थर्ड पोस्ट है करेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड फोर्थ है स्टोर असिस्टेंट का। देखिए, ये दोनों ही पोस्ट के लिए ग्रेजुएट जो भी कैंडिडेट होंगे, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स तीनों में से कुछ भी आपने ग्रेजुएशन में ले रखा है स्ट्रीम, आप एलिजिबल रहोगे। करेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए 150 पद है और स्टोर असिस्टेंट के लिए 80 पद रहेगा। उसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JEE आपका GTO के लिए रहेगा, 40 पोस्ट है। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो 3 इयर्स वाला होता है। लास्ट पोस्ट आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO के लिए है। इसमें कुल पद 40 है और क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTEC कर रखा है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग से, तब आप एलिजिबल रहेंगे। तो आई होप कि सारे पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थी आप समझ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज है। पहले स्टेज पे एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, तब जाके आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। फ्रेंड्स देखिए, ये होता है ग्रुप सी की पोस्ट और इसके लिए ऑल इंडिया के मेल तथा फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग जो ऑनलाइन CVT है उसका पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए, ये पोस्ट वाइज आपको डिपेंड करेगा, हर पोस्ट का अलग अलग नोटिफिकेशन मैंने अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं और सबका नोटिफिकेशन अलग अलग डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसमें प्रॉपर हर एक पोस्ट का आपको सिलेबस मिल जाएगा। फिलहाल देख लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए। समय रहता है 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट भी है तो आप उसको टिक करके आ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो GK से 10 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी से 10 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चंस रहेगा, इंग्लिश का 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड 15 क्वेश्चन और लास्टली आपको ट्रेड रिलेटेड या फिर कॉमर्स या फिर मैथ्स, तीनों में से कोई एक। मान लीजिए कि आपने कलर की पोस्ट के लिए या स्टोर असिस्टेंट के लिए भरा है, तो आपसे इन 5 सब्जेक्ट के बाद ना मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। अगर आपने ऐसा मतलब पोस्ट के लिए फिल किया, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, तो अकाउंट रिलेटेड है तो उनसे कॉमर्स का सब्जेक्ट पूछा जाएगा।
ट्रेड रिलेटेड, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा वालों के लिए है। तो मतलब इन तीनों में से किसी एक से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए होगा। आई होप कि परीक्षा के पैटर्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिलेबस के लिए तो बता ही दिया है कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लास्टली देख लेते हैं कि इसके लिए सैलरी क्या मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, विभिन्न तरह के पद यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सबका लेवल अलग अलग है। तो पोस्ट वाइज अगर बात करें तो जो सबसे निचला पोस्ट है उसके लिए आपको 20,000 से शुरुआत होगा, और हायर लेवल के पोस्ट पर देखेंगे तो 60,000 के करीब पर मंथ की सैलरी स्टार्टिंग में होती है, बाद में वो सैलरी बढ़ाई जाती है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अगर इसके बारे में आपको अभी भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने तो सारी जानकारी आपको पहले ही दे दी है, बची खुची चीज आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो एक लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइए ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।